साथियों नमस्कार, मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज का जो अपना एक डाउट क्लियर करना है, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमें आरबीएससी की बुक्स पढ़नी चाहिए या एनसीईआरटी की, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉमन ये क्वेश्चन आता रहता है कमेंट्स के माध्यम से। हालांकि साथियों, ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि देखो, हमने भी तो किसी से पूछ पूछ के तैयारी की है ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपको सटीक है जानकारी दूं, जिनको ये अच्छी तरीके से इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है। तो साथियों, हुआ यूँ है कि 2021-22 से पहले क्या होता था, अभी अपने राजस्थान के अंदर अपने राजस्थान बोर्ड की बुक्स चलती थी, लेकिन उसके बाद 2021-22 के सेशन से एनसीईआरटी की बुक्स लागू होगी अपने स्कूलों के अंदर। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो आज जब भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आज कर रहे हो या जब भी आप ये मेरा सेशन को देख रहे हो, तो जिस समय बुक्स जो लागू है ना, उन बुक्स को अपन को प्रायोरिटी में रखना चाहिए, वही बुक्स अपन को पढ़नी चाहिए। तो साथियों, वर्तमान में राजस्थान में क्या हो रहा है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनको बिल्कुल क्या किया जा रहा है, एक तरीके से कॉपी करके उनका पब्लिकेशन किया जा रहा है राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के द्वारा। तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ कि जो आरबीएससी है ना, आरबीएससी ने क्या किया, अपना हर क्लास के अंदर एक बुक अपने राजस्थान की लगाई है। जो राजस्थान से पब्लिकेशन है उनका एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कक्षा 6 के अंदर हमारा राजस्थान भाग 1 है, कक्षा 7 के अंदर हमारा राजस्थान भाग 2 है, कक्षा 8 के अंदर हमारा राजस्थान भाग 3 है, कक्षा 9 के अंदर राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम एवं शौर्य परंपरा है, और कक्षा 10 के अंदर राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति है, कक्षा 11 के अंदर आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 1 है, और कक्षा 12 के अंदर आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 है। तो साथियों, इसमें डिवाइडेशन करने वाली भी हालांकि कोई बात नहीं है, फिर भी देखो, अगर आपको राजस्थान का जीके कर पढ़ना है ना, तो ये इसी के अंदर जो अभी वर्तमान में स्कूलों में चल रही है, मैंने जो बताया कक्षा 6 से 8 की हमारा राजस्थान है, 9वीं के अंदर जो शौर्य आज़ादी और शौर्य परंपरा है, 10वीं के अंदर जो अपने इतिहास और संस्कृति की बुक है, तो राजस्थान का जीके जब आपको तैयार करना हो तो आपको इन बुक्स को फॉलो करना होगा। और इंडिया जीके के लिए अगर आप जा रहे हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो आप, तो आपको जो वर्तमान में अपने स्कूलों में एनसीईआरटी की जो बुक्स चल रही है उनको फॉलो करना चाहिए। अब राजस्थान की जो बुक्स अगर आप देखोगे ना, अगर आप बिगिनर हो, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करना चाहते हो, तो वास्तव में राजस्थान की जो बुक्स है 6ठी से लेकर 10वीं वाली, इतनी शानदार बुक है, बहुत अच्छी बुक है। 11वीं वाली बुक भी बहुत शानदार है, भारत के जीके के बारे में है अलग से, जो आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत है वो बहुत बढ़िया है। 12वीं में कुछ ही टॉपिक ठीक है, इतनी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लग रही है, क्योंकि कंपिटिशन एग्जाम में अपने टॉपिक उसमें कम है। तो इसको आपको पढ़ना किस तरीके से चाहिए कि आप ये बुक्स ले आओ, और ज़्यादातर आपको ये बुक्स आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको देख लो पहले भी, कौन सी बुक्स में अपने जो टॉपिक है ना, जिस भी भर्ती की आप जो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की, ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हो, या अदर जो पटवारी है, वीडियो है, किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो आप एलडीसी की, तो आप उन बुक्स में सिर्फ आप अपना सिलेबस ही पढ़ो, पूरी बुक पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ क्या है, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप पूरी बुक लेके बैठ गए, पहले हमारे पास प्रिंटेड सिलेबस हो, उससे मैच करके पढ़ो आप। अब आपको और जीके इंडिया का पढ़ना है, तो उसमें एनसीईआरटी की जो वर्तमान में अपने स्कूलों में लगी हुई बुक है, उसमें देखिए आप कि जो एसएसटी की बुक्स है ना, वो बहुत ही शानदार है, अलग अलग दे रखी है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। और बिल्कुल आप अपना सब्जेक्ट मैटर डीपली पढ़ना चाहो तो अपने 11वीं और 12वीं की बुक्स है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी वाली। तो आशा करता हूँ साथियों कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि अब एनसीईआरटी आरबीएससी में कोई डिफरेंस नहीं है। वर्तमान में जो बुक चल रही है ना, बस आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स की बुक देखोगे तो आपको एक बुक ही आरबीएससी की मिलेगी और सारी की सारी एनसीईआरटी की। हालांकि जो एनसीईआरटी वाली बुक है ना, वो भी पब्लिकेशन कौन कर रहा है, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर कर रहा है। तो इसमें बिल्कुल ही आपको कन्फ्यूजन नहीं होना। पुराने वाली जो बुक्स है ना, 2019-20 से पहले वाली पुरानी बुक जो कई टीचर अपन को रिकमेंड करते हैं, तो अब वो पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता मेरे को तो नहीं लगती, क्योंकि देखिए साथियों, अब हमारा जो ज्योग्राफी चेंज हुई ना राजस्थान की, तो ज्योग्राफी चेंज हो गई है, तो ज्योग्राफी का संबंध बिल्कुल हिस्ट्री से होता है, हिस्ट्री और कल्चर से भी होगा, बहुत सारे डेटा चेंज हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप
जो गाइड होती है, जो अच्छी अच्छी गाइडें चल रही है, जैसे लक्ष्य है, पेनोरमा है, सिकवाल है, तो ये गाइड वाले पुराने वाली जो आरबीएस की हुआ करती थी, उनको तो उन्होंने पहले से ही क्या कर रखा है, समाहित कर रखा है अपनी बुक्स के अंदर, डाल रखा है गाइड के अंदर। तो शुरुआत आप इन बुक्स से करें जो वर्तमान में चल रही है इन्हीं से, और बाद में आप अपनी गाइड से प्रिपरेशन करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके अलावा अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं और आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी गाइड चाहिए, गाइडेंस चाहिए, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, या किसी फर्स्ट पेपर के लिए, आपको अगर फर्स्ट पेपर के अंदर या आपकी भर्ती के अंदर जनरल इंग्लिश है उसके आपको नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन विद्यादान से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आशा करता हूँ साथियों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो आपके लिए लाभदायक होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आगामी कोई भी आपका डाउट हो उसको भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आसानी से बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले साथियों। थैंक यू।